बच्चों गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक हमारा फोर्थ चैप्टर का सेकंड टॉपिक है बिहार शहर और स्कूल। ये तीनों बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण मॉन्यूमेंट्स हैं जिसका बहुत ज़्यादा महत्व है अलग अलग प्रकार से। पहला है बौद्ध विहार। बच्चों बौद्ध विहार क्योंकि बिहार के नाम पर एक प्रांत का नाम भी है बिहार, और वो बिहार इसीलिए पड़ा कि बौद्ध विहार जो है वो सबसे ज़्यादा बिहार प्रांत है। बिहार का मतलब बौद्ध धर्म के ये शिक्षा के केंद्र थे। नालंदा भी इसमें से एक बिहार जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो भी एक बिहारी का बौद्ध विहार था। इसमें बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध विहार में बौद्ध धर्मावलंबी रहते थे। इस तरीके से बौद्ध विहार का ये औचित्य था। वो अलग अलग जो वर्षा ऋतु में जो बौद्ध भिक्षु थे वो इधर उधर घूमते थे, परेशानी होती थी, बौद्ध विहार में रुकते थे और वहाँ पर शिक्षा दी जाती थी बौद्ध धर्म से संबंधित। दूसरा पॉइंट है अक्षय। चैत्य एक तरीके से जिस तरीके से हिंदू धर्म में पूजा के स्थल थे जिस तरीके से बौद्ध धर्म में हिंदू धर्म में मंदिर होते हैं उसी तरीके से बौद्ध धर्म में चैत्यों का निर्माण होता था। और इस बौद्ध में इसमें बौद्ध धर्मावलंबी कि कब डेड बॉडी और उसके पार्ट्स को उसमें दफनाया जाता था, उसके ऊपर ये स्ट्रक्चर बनाया जाता था और इस पर धार्मिक पूजा पाठ और धार्मिक रीति रिवाज पाया जाता था। चैत्र में कार्ले की चैत्र महाराष्ट्र में बहुत फेमस और सबसे बड़े हैं। इसी तरीके से गुफाओं को काट कर बहुत सारे पहाड़ों को काट कर और उसमें चैत्रों का निर्माण किया और इनका निर्माण जिस तरीके से चर्च का निर्माण ईसाई धर्म में किया जाता था उस तरीके से चैत्र का निर्माण किया जाता था। और इसमें धार्मिक पाठ पूजा धार्मिक उद्देश्य को ये दिए जाते थे और इसमें बौद्ध के बाद के जितने भी बोधी स्कॉलर पर्सन्स थे उनकी डेड बॉडी को दफनाकर उनको पूजा स्थल के रूप में कन्वर्ट करके और बौद्ध चैत्र का निर्माण किया। जिस तरीके से हिंदू धर्म और उसमें हिंदू धर्म में बौद्ध मंदिरों का स्थान है वही बौद्ध धर्म में चैत्र का स्थान। तीसरा पॉइंट आता है स्तूप। स्तूप ये एक अंडाकार आकृति का होता था, सेमी सर्कल होता था जो एक चतुष्कोणीय एक स्ट्रक्चर के ऊपर बना होता था। उसको मेदी नाम दिया जाता था, मेदी। और जमीन के लेवल पर जो स्ट्रक्चर तैयार किया जाता था उसको बेदी का कहा जाता था। और इसके चार दरवाजे होते थे, उतनी चार डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट को इंडिकेट करते थे और इस पर ये तोरण द्वार इनको तोरण द्वार कहा जाता था। और इन तोरण द्वार पर बहुत ज़्यादा सार भद्रिका और उनकी मूर्तियाँ और बहुत सारे इसमें कलाकृतियाँ बनाई जाती थी। और इसकी जो सेमी सर्किल को इसको अंड कहा जाता था। इसके ऊपर एक स्क्वायर के या रेक्टेंगल के साइज का एक स्ट्रक्चर होता था जिसको हरिणिका कहा जाता था। और इस के ऊपर जो एक स्टिक जैसा होता था सीधा उसको यष्टि कहा जाता था और इसके तीन छतरी जैसी होती थी उनको छत्र कहा जाता था। इस तरीके से ये एक स्तूप का स्ट्रक्चर है और इसके चारों तरफ एक परिक्रमा करने के लिए एक 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 पथ होता था उसको प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। और इसके चारों तरफ एक रेलिंग बनी होती थी उसको रेलिंग कहा जाता था। इस तरीके से ये एक स्तूप का स्ट्रक्चर। ये स्तूप क्यों बनाए जाते थे, वाई स्तूप बिल्ड? तो स्तूप का निर्माण बुद्ध की बॉडी के गौतम बुद्धा की बॉडी के पार्ट्स के ऊपर उनके जैसे टीथ नेल बोन उनके टूल्स ऑर्नामेंट उनके वस्त्र उनके कमंडल उनसे जुड़ी हुई चीजें उनके उम्र
उसको भव्य बनाया जाता था। बुद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा एक मॉन्यूमेंट होता था। अशोक ने ही ऐसा कहा जाता है 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। इनमें भारत, अमरावती, सारनाथ, सांची, ये फेमस है बच्चों। ये मैप के हिसाब से भी फेमस है, ध्यान रखना। ये अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल है, ये सारनाथ बिहार में है, ये सांची भोपाल के पास मध्य प्रदेश में है। इस तरीके से क्वेश्चन मैप में पूछा जाता है, इसको आप मैप में भी लोकेट करना है। और ये सांची का स्तूप, सांची का जो स्तूप है वो बहुत फेमस है। सांची का स्तूप आपका टॉपिक में सांची का स्तूप है। इस सांची के स्तूप में इतना निर्माण अशोक ने करवाया था, अशोक ने करवाया था। विधि शांति की उनकी रानी थी और उसी के संरक्षण में सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था अशोक ने। और ये अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। बहुत सारे जो ऐतिहासिक और पर्यटक इसको देखने के लिए जाते हैं। भोपाल के से लगभग 20 किलोमीटर पहले रेलवे लाइन के पास में पड़ता है, आप जाकर देख सकते हैं। और ये एक भव्य स्ट्रक्चर है। अशोक ने इसमें बहुत सारा योगदान दिया। और सांची के स्तूप का महत्व इसलिए है कि एक बार इसको फ्रांसीसी और ब्रिटिश इसके तोरण द्वार को अपने देश भेजाना चाह रहे थे। जब तक इसकी इस पर किसी की नजर नहीं पड़ी थी भाई इसका क्या ऐतिहासिक पर्पज है, क्या इस मॉन्यूमेंट का महत्व है, ये किस चीज का स्ट्रक्चर है, तो उस समय भोपाल की दो बेगम शाहजहां बेगम और नूरजहां बेगम, उन्होंने शाहजहां बेगम ने और बेगमों ने भोपाल की बेगमों ने उन फ्रांसीसी और ब्रिटिश व्यक्तियों को इन तोरण द्वार की प्लास्टिक को पेरस की कलाकृतियां बनाकर भेंट कर दे भेंट स्वरूप दे दी। और इनके अन्य विनय पर वो मान गए और वो चले गए और इससे सांची का स्तूप बच गया। तो उन भोपाल की बेगमों का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसमें ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि भोपाल की बेगमों का सांची के स्तूप में क्या महत्व। तो सांची के स्तूप में एक तो उनके तोरण द्वारों की कृति देकर इसको बचा लिया, दूसरा इसकी जो टूट फूट थी उसकी मरम्मत करवाई, इसके पास में एक संग्रहालय का निर्माण करवाया और उसमें बहुत सारा कंट्रीब्यूशन दिया। इस तरीके से सांची का स्तूप में भोपाल की बेगमों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस तरीके से तीन अलग अलग मॉन्यूमेंट है, बिहार, चैत और स्तूप। ये छोटा सा टॉपिक है बच्चों, एक छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैप के पर्पज से भी पूछ लिया जाता है और इनका स्तूप का तो पूछा ही जाता है। तो इस तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा और इसमें आपको कोई डाउट हो तो पूछ